फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं, कौन सी फ्रेंचाइजी ली जाए और कौन सा फ्रेंचाइजी मैं मेरे यहाँ पे ओपन करूँ, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे हमारे चैनल में गेट योर रेस्टोरेंट जो यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल है। मेरा नाम गोपाल कामत है और आपका ये चैनल पे स्वागत है जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि आपका खुद का रेस्टोरेंट नया ओपन कैसे की जाए, कोई भी टाइप का रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस जो आप खुद कर सके और जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सके, सेव कर सके और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जिंदगी सेट कर सके। मेरा नाम, जैसे कि मैंने बोला, गोपाल कामत है। मैं बॉम्बे से हूँ, मैं खुद एक होटेलियर हूँ और रेस्टोरेंटर हूँ, मल्टीपल रेस्टोरेंट ओनर हूँ और बहुत सालों से मैं ये रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ। और गेट योर रेस्टोरेंट ये चैनल पे मैं आपको और आपके जैसे बहुत सारे लोगों को सिखाता हूँ कि आपका खुद का रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे खोला जाए। सो अगर आपको रेस्टोरेंट बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप ये चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट भी कीजिए, मुझे सवाल पूछिए और ये वीडियो शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ सके कि खुद का रेस्टोरेंट कैसा ओपन किया जा सकता है। सो आज का मेरा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू सिलेक्ट अ फ्रेंचाइज। सो बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि आपको खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है वो आपको करने के लिए आपके पास उतना ना ही टाइम होता है, ना ही आपके पास उतना स्किल होता है, ना ही आपके पास उतना फंड्स होता है। सो इन दैट केस क्या हम क्या करते हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपने एक फ्रेंचाइजी लेना चाहिए। सो यहाँ पे मार्केट में इतने सारे फ्रेंचाइजीज हैं, हजारों फ्रेंचाइजीज हैं, अलग अलग फूड के लिए, अलग अलग क्यूजीन्स के लिए, अलग अलग टाइप के फ्रेंचाइजीज है और हर कंपनी अपने आप में एडवर्टाइज में चिल्लाती रहती है, मेरा फ्रेंचाइजी ले लो, मेरा फ्रेंचाइजी ले लो। सो क्या आप कौन से पॉइंट्स देखे जो जिससे आपको पता चले कि आप एक फ्रेंचाइजी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट कर सके? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो उनका मैनेजमेंट सपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। बाय मैनेजमेंट सपोर्ट मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, उनके खुद के कितने आउटलेट्स है। अगर एक हाथ दो आउटलेट उनके खुद के हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी चालू कर दिया तो वो काफी नई कंपनी है और इतनी नई कंपनी रहेंगी तो उसमें आपका पैसा डाल के कोई मतलब नहीं है। आपको एटलीस्ट उनका 5-10 आउटलेट्स का प्रेजेंस होना चाहिए जिसमें उन्होंने खुद के पैसे डाले हैं वो आउटलेट में और उसमें से पैसे कमा रहे हैं। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सेकेंडली, वेदर ये मैनेजमेंट सपोर्ट देती है क्या? फ्रेंचाइजी बिजनेस ऐसा चलता है कि जब भी आप उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो आपसे फ्रेंचाइजी फीस लेंगे और आपको उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सब खर्चा करने लगाएंगे। उनका बोर्ड ये कलर का होना चाहिए, उनका अंदर का एसी ये वाला लगना चाहिए, लाइट्स ये वाले लगने चाहिए, डिशेज ये वाले होने चाहिए, टेबल ये वाले होने चाहिए। वो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस रहते हैं जिस हिसाब से वो लोग पूरा आपसे इन्वेस्ट करा के लेंगे। बट इतना सब इन्वेस्ट करने से पहले आपने सबसे नंबर वन चीज देखना है कि वेदर वो आपको मैनेजमेंट सपोर्ट दे रहे हैं क्या, किस किस डिपार्टमेंट में वो आपको मैनेजमेंट सपोर्ट देते हैं, कितना फास्ट है उनका मैनेजमेंट, वेदर वो फ्रेंचाइजी ने खुद का एक अलग से टीम रखा है क्या जो टीम आपको सर्विस दे रहा है। अगर वो टीम उन्होंने नहीं रखा है और उनके पास सिर्फ उनके खुद के 4-5 आउटलेट है और उन्होंने आपको बोला यार फ्रेंचाइजी ले लो तो उसमें पैसा मत डालिए। सेकेंड इज फ्रेंचाइजी फीस, ये फ्रेंचाइजी फीस कितना लेते हैं और ये फ्रेंचाइजी फीस के सामने आपको क्या सुविधा देते हैं। बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजी फी बहुत कम लेते हैं बट उनका मंथली जो रॉयल्टी होता है सेल्स के ऊपर वो थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरे कंपनी फ्रेंचाइजी फी थोड़ा हैवी लेते हैं बट उनका जो मंथली फीस रहता है वो कंपैरेटिवली रीजनेबल रहता है। तो वो क्या डील है, कौन सा वो आपको अलग 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 आपके फ्रेंचाइजीज के हर एक का आपको डिटेल्स लिख के लेना होगा, उसको स्टडी करना होगा। तीसरा इस कितने साल है वो बिजनेस में। सो अभी जैसे कि मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, अगर वो 1-2 साल पुरानी कंपनी है तो मेरे हिसाब से आपको उसमें पैसा ज्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि नए नए फैशन, नए नए फैड बहुत आते रहते हैं। ये खाना चल गया, वो खाना चल गया, 1-2 आउटलेट चल गया। मैं ऐसा देखूंगा कि मान लीजिए जितनी जूनी कंपनी है उतना उनका ब्रांड प्रेजेंस भी मार्केट में होगा, बहुत सारे लोगों को पता रहेगा कि ये खाना ये मार्केट में बिकता है, बहुत सारे लोगों को उनके खाने का टेस्ट बैठा होगा। तो जितनी जूनी कंपनी रहेगी उतना और उनका मैनेजमेंट का सपोर्ट भी स्ट्रांग होगा क्योंकि वो खुद का टीम भी दे पाएंगे उसमें से प्रॉफिट निकाल के। तो जितनी जूनी कंपनी रहेगी उतना आपको फ्रेंचाइजी के लिए इजी पड़ेगा, एकदम नई कंपनी रहेगी तो ज्यादा करके पैसा मत डालिएगा। चौथा है स्पीक टू दी फ्रेंचाइजीज। अगर आपको एक कंपनी अच्छी लगी जिसका आपको मैनेजमेंट सपोर्ट अच्छा लग रहा है, फ्रेंचाइजी फीस ठीक ठाक लग रहे हैं और काफी जूनी कंपनी है तो उनके फ्रेंचाइजीज से जाके बात कीजिए।
अलग अलग जगह पे। देखिए आप आपके खुद का खून पसीने का पैसा डाल रहे हैं इस चीज में, तो ज्यादा आलस पना मत कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए रहते हैं दिल्ली में और बॉम्बे में ये फ्रेंचाइजी है, तो एक दिन फ्लाइट से आ जाइए, ट्रेन से आ जाइए, कैसे भी आ जाइए, बट एक दिन आके दो चार फ्रेंचाइजी के ओनर्स के साथ टाइम निकाल के उनसे बात कीजिए कि मैं ये इसमें पैसा डालने जा रहा हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या अच्छा है ये कंपनी में, क्या क्या बुरा है, और आपके फ्रेंचाइजी आपको खुला बताएंगे कि, क्योंकि अगर उनको मान लीजिए बैड एक्सपीरियंस है तो वो आपको सावध करेंगे, वो आपको अलर्ट करेंगे कि भैया इसमें पैसा मत डालो, ये बहुत चोर कंपनी है। तो मोस्टली ऐसा होता नहीं है, अगर कंपनी काफी जूनियर है तो उन्होंने अच्छा ही काम किया होगा, अदरवाइज इतने साल वो टिक नहीं सकती। बट फिर भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये स्टेप किए बगैर आप बिल्कुल आपका पैसा आग बंद करके कोई भी फ्रेंचाइजी में मत डालेगा। आप फिर ऐसा ना हो कि आपको मालूम पड़े कि बाद में फिर आपको पछताना पड़े। पांचवा है तो मेनू प्राइसिंग। मेनू का प्राइसिंग क्या है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ्रेंचाइजी देखा जिसका आउटलेट्स बॉम्बे में है, और मान लीजिए आप टीयर थ्री टाइप का सिटी में रहते हैं जहां पे बॉम्बे जितने हाई रेट्स या दिल्ली या बैंगलोर जितने हाई रेट्स नहीं है, तो वेदर वो खाना आपके जगह पे चलेगा क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये पॉइंट बहुत फोकस करके करना है। अगर ज्यादा ही एक्सपेंसिव है और आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे यहाँ पे तो ये खाना कोई खाएगा नहीं, तो बिल्कुल सोचेगा मत वो कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने का, क्योंकि फ्रेंचाइजीज का मोर और लेस रेट सब जगह सेम होता है। तो अगर आपका रेट एकदम ही एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजी है या कोई बहुत बड़ा फाइन डाइन है और आप अगर टीयर थ्री सिटी में रहते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप उस चीज में आपका पैसा डालें। तो मेनू प्राइसिंग भी देखना बहुत जरूरी है। और सिक्स्थ इज मैनेजमेंट का विजन क्या है। ये मैनेजमेंट का विजन जो होता है, इसका मतलब है कि ये जो ओनर्स है फ्रेंचाइजी के, उनका आगे का क्या प्लान है। तो उसके लिए आपको ओनर्स से बैठ के बात करना होगा कि आपका आगे का प्लान क्या है, आपको कितने आउटलेट्स करने हैं, आपको कितने साल बिजनेस में रहना है, या आपको 5 साल में बिजनेस बेच देना है, क्योंकि आपका नसीब और आपका आगे का जो प्रॉफिट्स है वो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप ये कंपनी का फ्रेंचाइजी ले रहे हो। सो अगर मान लीजिए आपके कंपनी वाले ने बोलते कि नहीं भैया 5 साल में हम लोग एग्जिट करने वाले, तो इतने कम समय के अंदर आप आपका प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएंगे, या आपका फ्रेंचाइजी फी भी नहीं निकाल पाएंगे, आपका जो डाला हुआ पूंजी है वो भी आप निकाल नहीं पाएंगे, तो मतलब क्या है फिर इस टाइम। तो ये विजन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, और इनसे आपको एक आइडिया आएगा कि आप आपका फ्रेंचाइजी कैसे ले। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इस पे जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज गोपाल कामत साइनिंग ऑफ, एंड हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। बाय बाय।